नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने अपना पार्ट 13 दिन महीने और गिनती को कंप्लीट किया था। आपको बहुत अच्छे से मैंने दिन महीने 12 महीने के बारे में, दिनों के बारे में यानी सप्ताह के नाम के बारे में और गिनती के बारे में समझा दिया था। इन तीनों चीजों को समझने के बाद हमने प्रश्न नंबर 1 और 2 को किया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 13 कंप्लीट हो गया था। आज हम आते हैं अपना पार्ट 14 लेखन कार्य, ठीक है। किस पे आते हैं हम? लेखन कार्य लिखते हो ना आप, एक निबंध लिखते हो, जो वो हम लिखेंगे आज हमारी कक्षा। तो सब मेरे साथ अपनी हिंदी व्याकरण की पार्ट हिंदी व्याकरण की बुक का पेज नंबर 51 खोलेंगे। खोलिए आपने पेज नंबर 51 हमारी कक्षा, जैसे आप बैठते हो ना अपनी क्लास में, हमारी कक्षा हमारी क्लास जिसमें आप बैठते हो, तो उसके बारे में हमें आपको आपके सामने आपकी बुक में कक्षा का चित्र दिया गया है। दिया गया है बच्चों, ये रहा आपकी क्लास का पूरा चित्र। अब इस चित्र को देखते हुए हमें ये रिक्त स्थान भरने हैं, तो मैं भरवा रही हूँ, आप मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में करते जाना, समझते जाना और उनको फिल करते जाना। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा बच्चों, चित्र को देखकर वाक्यों के खाली स्थान पर सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। हमें खाली स्थान दिया है, हमें दो दो ये शब्द दिए गए, इनमें से देखना है जो सही हो, जो आपकी क्लास की पिक्चर के साथ मिलता हो, उसको भर के वाक्य को पूरा करना है। तो सब अपनी बुक में देखेंगे और मेरे साथ साथ बोलिए। नंबर 1 है, यह हमारी सुंदर है कक्षा या कक्ष? कक्षा। कहाँ बैठे हो आप? अपनी कक्षा में बैठे हो, तो यहाँ क्या भरेंगे? कक्षा। यह हमारी सुंदर कक्षा है, यह हमारी सुंदर क्लास है, हिंदी में उसको बोलते हैं कक्षा है, यह हमारी सुंदर कक्षा है। तो यहाँ पे कक्षा पे क्या लगा देंगे? सही का निशान लगा देंगे। दूसरा आता है बच्चों, हमारी कक्षा में छात्र हैं, 1 या 15? कक्षा में एक छात्र तो होगा नहीं बच्चों, कितने बैठे हुए हैं? 15। तो हम इस रिक्त स्थान में क्या भर देंगे? 15। तो ये बनता है कि हमारी कक्षा में 15 छात्र हैं, ठीक है। आगे आते हैं बच्चों, अपने चित्र में देखते जाना, आपके पास आपकी बुक है, सामने चित्र है, तो चित्र में देखते जाना। नंबर 3 आता है, हमारी अध्यापिका का नाम है अध्यापिका, आपकी मैडम, उनका नाम श्रीमती रमा या श्री राघव, तो श्री राघव तो अध्यापक का नाम हो गया, तो आपकी अध्यापिका का नाम क्या है? श्रीमती रमा। क्या है अध्यापिका का नाम? श्रीमती रमा। तो हमारी अध्यापिका का नाम श्रीमती रमा है, श्रीमती रमा पे सही का निशान लगा देना। आगे है बच्चों 4 नंबर का, 4, हमारी कक्षा में 1 है, आपकी कक्षा में बनी हुई है, क्या है? नल या अलमारी? चित्र में देखिए, अलमारी। क्या बनी हुई है? अलमारी। तो हमारी कक्षा में 1 अलमारी है, जिसमें अध्यापिका अपना सामान रखती है, आपकी बुक्स वगैरह है, आपकी एक्स्ट्रा कॉपी वगैरह है, पेंसिल इरेजर का बॉक्स है, कोई आपकी एक्टिविटी है, उनको संभाल के अलमारी में रख देती है, जब जरूरत होती है तो उस अलमारी में से निकाल लेती है। तो हमारी कक्षा में 1 अलमारी है। सबके पास चित्र है, उस चित्र में अलमारी बनी हुई है ना। देखो बच्चों, ये रहा आपका चित्र पूरी कक्षा का, जिसमें 15 छात्र है, ये पूरी कक्षा है, आपकी अध्यापिका आपको पढ़ा रही है, उनका नाम श्रीमती रमा है, और आपकी ब्लैक बोर्ड के पास बॉस के नीचे क्या है? एक अलमारी रखी हुई है। तो आप भी देख रहे होंगे इसको अपनी बुक में। अगला है बच्चों 5 नंबर का, 5 नंबर का, सभी विद्यार्थी पढ़ते व खेलते हैं, मिलकर लड़ते, तो लड़ते तो कोई ना पढ़ेगा ना करेगा खेलेगा, तो सब सभी विद्यार्थी मिलकर पढ़ते व खेलते हैं। तो मिलकर पे क्या लगा देंगे बच्चों? राइट का निशान लगा देंगे। इस तरीके से हमने अपनी कक्षा का चित्र देखते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करी। तो हम दोबारा से रिवाइज करते हैं, यह हमारी सुंदर कक्षा है, हमारी कक्षा में 15 छात्र हैं,
खेलते हैं। तो ये है हमारी कक्षा का चित्र। देखकर हमने रिक्त स्थानों में सही वाक्य भरकर, सही शब्द भरकर पूरे वाक्य को पूरा कर लिया है। यही हमारा क्वेश्चन दिया है, चित्र को देखकर वाक्य के खाली स्थान पर सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो हमने चित्र देखा, सही वाक्य उठाया, रिक्त स्थान भरा और वाक्य को पूरा कर दिया। अब बच्चों आपको ये आपकी क्लास का चित्र चिपकाना है कॉपी पे, उसके बाद नीचे ये रिक्त स्थान करने हैं। जैसे आपकी बुक में है ना, ऐसे ही आप करोगे अपनी कॉपी में गृह कार्य में। सबसे पहले आप ये प्रश्न लिखोगे, उसके बाद ये क्लास का चित्र चिपकाओगे और उसके बाद ये पांच रिक्त स्थान नीचे करके गृह कार्य में करना है आपको। आपको गृह कार्य में बिल्कुल आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। सबसे पहले करने से पहले बुक में फिल करना, अशुद्धियों का शुद्ध करना और उसके बाद कॉपी में करना। तो अगली क्लास में हम फिर लेखन कार्य के साथ मिलते हैं, चिड़ियाघर की सैर। ठीक है, क्या होता है चिड़ियाघर के बारे में, उसके बारे में। जब तक के लिए आपको उसको अपनी हमारी कक्षा को पढ़ना है, समझना है और कॉपी में करना है। धन्यवाद।